ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, जय हिंद, जय माहौल है, चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे, तिरंगे ही तिरंगे। सभी दिल्लीवासियों को, सभी देशवासियों को आजादी के 75 साल बहुत 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 मुबारक हो। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं जो ऐलान करने जा रहा हूं, ये करोड़ों करोड़ों भारतीयों का बहुत पुराना सपना है और उस सपने को पूरा होने की शुरुआत होने जा रही है। हमारे देश का हर आदमी, हर भारतीय चाहता है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हर भारतीय चाहता है कि भारत की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होनी चाहिए। हर भारतीय चाहता है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र, हर भारतीय चाहता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। दोस्तों, भारत एक महान देश है। हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजा करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। वी हैव टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो आज हम एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस मिशन का नाम है मेक इंडिया नंबर वन। 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है। इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है। आजादी को 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया, भारत ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोगों के अंदर एक क्रोध है, लोगों के अंदर एक प्रश्न है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। क्यों भाई, हमारे में क्या कमी है? जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान तहस नहस हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम, न्यूक्लियर बम पड़े थे, आज हमसे आगे निकल गया। जर्मनी, हिटलर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था, आज हमसे आगे निकल गया। हम पीछे क्यों रह गए?
भारत पीछे क्यों रह गया? आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है, भारत का हर नागरिक गुस्से में है, भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम है क्या? हम किसी से कम थोड़ी हैं? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत के लोग सबसे मेहनती लोग हैं, भारत के लोग दुनिया में सबसे बेस्ट लोग हैं, फिर भी हम पीछे रह गए। भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड़ दिए, जड़ी बूटियां दी, फसलें दी, समुद्र दिया, क्या नहीं दिया भगवान ने, इतना विशाल देश। और जब भगवान ने इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किए, फिर भी हम पीछे रह गए। फिर हम पीछे क्यों रह गए? भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? दोस्तों, अगर इनके भरोसे छोड़ दिया, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे। इनमें से किसी को अपना परिवार प्यारा है, इनमें से किसी को अपना दोस्त प्यारा है, किसी को भ्रष्टाचार करना है, किसी को देश लूटना है। इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। दोस्तों, अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कैन इंडिया लीड द वर्ल्ड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड? हमारे पास, हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं, किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। अब देश के लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देश के 130 करोड़ लोगों को, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को मिलके अब देश की बागडोर संभालनी पड़ेगी। पचहत्तर साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था, तो हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल के बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, तो दोस्तों भारत को नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक शर्त है, 130 करोड़ लोगों को, यह हमारा परिवार है, 130 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है, यह एक टीम है, हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना है, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना है। हमारा कोई भी बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को, 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं, हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो, हम ये नहीं कह सकते हम पहाड़ों में स्कूल नहीं खोल सकते, हम आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं खोल सकते। देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना है। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, बच्चों को पढ़ा दिया, एक एक बच्चा पढ़ के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कहीं कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, एक एक बच्चा पढ़ने के बाद एक एक परिवार को गरीब से अमीर बना देगा, और जब एक एक परिवार गरीब से अमीर बनेगा, तो भारत का नाम अमीर देशों के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, अपने देश के एक एक आदमी के लिए, एक एक औरत के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए, एक एक युवा के लिए, एक एक बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बीमार हो जाए कोई, उसका अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, उसकी दवा, उसका टेस्ट, उसकी इलाज, उसका ऑपरेशन, चाहे कितने भी लाख रुपए का खर्चा क्यों ना आए, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर भारतीय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का हर नागरिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जरूरी है भारत के कोने कोने में, पूरे देश में, गांव गांव में, कोने कोने में हमें स्कूल खोलने पड़ेंगे, हमें अस्पताल खोलने पड़ेंगे, हमें मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, हमें डिस्पेंसरी खोलनी पड़ेगी, डॉक्टरों का इंतजाम करना पड़ेगा, टीचरों का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली दो चीजें हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा का और अपने लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज, हमारे युवा, हमारी युवा शक्ति आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज लेकिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार दिया जा सकता है अगर सही नीयत हो और सही मैनेजमेंट हो, तो हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है, रोजगारों को। तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा, एक भी युवा देश के अंदर बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, हमारे देश की हर महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिलाओं के लिए सम्मान, ये कहना बड़ा आसान है, करने के लिए हमें अपने अपने घर के अंदर, अपने अपने समाज के अंदर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और पांचवी चीज, आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, क्यों नहीं बनना चाहता? हमारा मुल्क किसान प्रधान, खेती प्रधान मुल्क है, हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम मिले, ताकि किसानी एक किसानों किसानों के घर में खुशहाली लेके आए, किसानों को सम्मान मिले, और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसान का बेटा फक्र के साथ कहे मुझे भी किसान बनना है। हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम, उनकी मजदूरी का पूरा दाम देना है, ताकि हर किसान का बेटा फक्र के साथ किसानी कर सके। दोस्तों, और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये पांच काम सबसे जरूरी काम है, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से देश के 130 करोड़ लोगों को अपील करता हूं कि इस राष्ट्र मिशन मेक इंडिया नंबर वन, इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़ें। जिस दिन 130 करोड़ लोग एक साथ जुड़ गए, भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, यह मिशन राष्ट्र मिशन है, यह देश को आगे ले जाने का मिशन है, यह किसी पार्टी का मिशन नहीं है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं, सारे बीजेपी वाले भी साथ आओ, सारे कांग्रेस वाले भी साथ आओ, इस पार्टी वाले भी साथ आओ, उस पार्टी वाले भी साथ आओ, देश में जितने देशभक्त हैं, जो जो लोग चाहते हैं कि देश भारत का नाम दुनिया के अंदर हो, भारत दुनिया का नंबर वन देश बने, जो जो लोग चाहते हैं सारे इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़ो। और हमें अब लड़ाई झगड़े नहीं करने, लड़ाई झगड़े करके 75 साल खराब कर दिए। कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, ये उससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, पंडित उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, सारे लड़ाई झगड़े खत्म। अगर हम लड़ते रह गए तो दुनिया का नंबर वन देश नहीं बन सकते। हमें सबको 130 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना है, एक परिवार की तरह हमें कंडक्ट करना है, एक परिवार की तरह बिहेव करना है। नफरत खत्म, प्यार और मोहब्बत करेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, मुट्ठी बन के रहेंगे, तभी भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता है। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बनाने। मैं पूरे देश में जाऊंगा, पूरे देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा और 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे, 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ेंगे। और जब 130 करोड़ लोग जुड़ गए तो भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की, इनकलाब, वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जै हिंद।